हेलो एंड वेलकम टू एक्सपर्ट इन कैलकुलेशन। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ कई सारे फ्रैक्शंस टू डेसिमल एंड डेसिमल टू परसेंटेज। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वंस हैं, ठीक है। सो एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इनमें से, दैट इज 1/1 से लेकर 1/13 तक, और उसके बाद के 1/d प्राइम नंबर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे 1/13 के अलावा वाले जितने भी हैं वो सब क्या होते हैं, वो किसी ना किसी के आधे या 1/3 ऐसे करके हो जाते हैं, ठीक है। सो वी डिस्कस दैट पार्ट एज वेल। तो सबसे इंटरेस्टिंग वाला क्या है, 1/7 और उसकी पूरी साइकिल, ठीक है। सो 1/7 क्या होता है, 0 पॉइंट लगाइए, ठीक है। 7 का डबल करिए 14, 14 का डबल करिए 28, 28 का या 14 का या 28 का ही डबल कर दीजिए, होता है 56, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं तो लिख दीजिए 57, ठीक है। सो इसको इनटू 100 करिए तो क्या मिलेगा, 14.2857। और ये इतना इंटरेस्टिंग है कि इसको हम लोग पूरी इज्जत देंगे, ठीक है। तो हम लोग 1/7 से लेकर 6/7 देखिए, पूरी साइकिल में अलग से लिखूंगा आपके लिए, ठीक है। तो 1/7 अगर ये है तो आपको क्या लगता है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 लिखने के लिए क्या मुझे एक्चुअली मल्टीप्लाई करने की जरूरत होगी? नहीं, दैट इज अ मैजिक ऑफ इट, ठीक है। सो 2/7 के लिए आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, परसेंटेज लिखता हूं मैं डायरेक्टली आपके लिए। सो 2/7 लिखने से पहले आप ये सोचिए कि 20/7 क्या होता है। तो 20/7 का पहला डिजिट क्या होता है, सो 20/7 का पहला डिजिट होगा 7 2s are 14। 30/7 का पहला डिजिट क्या होगा, 7 4s are 28, ठीक है। सो बेसिकली 30 से छोटा 7 की टेबल में क्या आता है, 28 आता है, जो कि 4 टाइम्स होता है। 40/7 का पहला डिजिट क्या होएगा, 5, है ना, क्योंकि 40 से छोटा क्या होता है, 35 होता है, जो 7 की टेबल में आता है। 50/7 का क्या होगा, 7 7s are 49 होता है, इसलिए 7 आएगा। 60/7 का पहला डिजिट क्या होगा, 8 आएगा, 7 8s are, क्योंकि 56 होता है, जो कि 60 से कम है, ठीक है, जस्ट कम है। अब यहां पे अगर आप मैजिक देखो या मतलब एक लॉजिक देखो तो क्या हो रहा है, 1 तो यहां पे स्टार्टिंग में है, जो अगले का 2/7 का पहला डिजिट है वो भी यहां पे है, 3/7 का पहला डिजिट है वो भी यहां पे है, 4/7 का जो पहला डिजिट है वो भी यहां पे है, 5/7 का पहला डिजिट यहां पे है, 6/7 का भी पहला डिजिट यहां पे है, ठीक है। तो उसको याद रखने का तरीका क्या होने वाला है, ऊपर देखो 2 कहां है, ठीक है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ, क्योंकि 100% से तो कम ही होगा ना, ठीक है। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ और पूरी की पूरी जो साइकिल है वो घुमा दो, ठीक है। कैसे, 2 के बाद आएगा 8 तो 8 लिखो, 8 के बाद आएगा 5 तो 5 लिखो, 5 के बाद आएगा 7 तो 7 लिखो, खत्म हो गया तो शुरू से शुरू कर दो, तो 1/4। एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ 2/7 क्या होगा, 0.285714, ठीक है, एंड दैट इज अ साइकिल। 3/7 क्या होगा, ऊपर देखो 4 कहां है, 4 के बाद क्या आएगा, 2, 2 के बाद 8, 5, 7, खत्म हो गया तो शुरू से शुरू कर दो 1। सो 3/7 क्या हो जाएगा, 0.428571, ठीक है। 4/7 क्या होगा, ऊपर देखो 5 कहां लिखा हुआ है, तो 5 से शुरू करो, 5 के बाद 7 आएगा, खत्म हो गया तो शुरू से शुरू कर दो 1428, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं ये क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 4/7 है ना, यस 4/7 है, तो 4/7 की यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.571428, है ना। ये 3/7 की वैल्यू है, ये 2/7 की वैल्यू है, ये 1/7 की वैल्यू है ना। तो सारी वैल्यूज आपको याद हो रही है, ठीक है। अब 5/7 का अगर आप नोटिस करो तो 50/7 का पहला डिजिट था 7, ऊपर देखो 7 कहां पे, आखिरी में, आखिरी में है, तो जस्ट आखिरी के बाद शुरू से शुरू करो, सो दैट वुड बी 71.4285, ठीक है। और इसका अगर मैं डेसिमल वैल्यू लिखने बैठूं तो मुझे क्या मिलेगा, 0.714285, है ना, इंटरेस्टिंग। सो दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ 5/7, राइट। 6/7 की वैल्यू क्या होगी, दैट वुड बी 8 कहां पे, यहां पे है, 8 के बाद के नंबर साइकिल में लिख दो बस, सो 85, ठीक है। उसके बाद 7 शुरू से शुरू करो 142, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर रिकरिंग वैल्यूज, ठीक है, वो भी एक मैं बात बताता हूं आपको, 0.857142, ठीक है, दैट इज अ वैल्यू ऑफ 6/7। ऑल ऑफ दीज आर रिकरिंग वैल्यूज, रिकरिंग वैल्यूज का मतलब 1/7 की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है,
ये तो होती है, लेकिन इट इज समथिंग लाइक 1.1428 57 1428 57 1428 57 एंड सो ऑन. तो ये छह छह डिजिट्स आपस में रिपीट कर रहे हैं एंड दैट इज द रीजन दिस इज कमिंग इन दिस पर्टिकुलर फैशन. ठीक है, सो 1/1 से लेकर 1/13 तक में मैंने सब कुछ डिस्कस किया था अभी तक. लास्ट वीडियो में आपके साथ 1/7 नहीं किया था क्योंकि उसका ये रीजन है, इतने मैजिकल चीज है ये. दूसरा है 1/13. सो 1/13 क्या होता है, 7.7% होता है, इन टर्म्स ऑफ डेसिमल होता है 0.077. ठीक है, एक्चुअल में इसकी वैल्यू 0.0769 होती है, लेकिन इसको हम लोग 7.69% लिखने की बजाय हम लोग याद रखने के लिए इसको 7.7 लिखते हैं. एट द सेम टाइम जो हम लोग ऑलरेडी अभी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, द मैजिक ऑफ 11, मतलब किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका व्हाट इज द मैजिकल वे टू डू दैट, वो हमने देखा है. इसीलिए हम लोग इसको 7.7 लिखते हैं. ठीक है, रीजन बीइंग कि अगर 1/13 ये है, सो व्हाट वुड बी 2/13. ठीक है, व्हाट वुड बी 2/13, इट वुड बी 2 × 7.7. ठीक है, तो 7 निकालो और 2 को दे दो तो हो जाएगा 14 × 1.1. तो इसका मेथड क्या होगा, 1 लिखो, 4 लिखो और 1+4 5 बीच में लिख दो. और क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो 15.4% होगा ये. इसी तरीके से 3/13 क्या होगा, 4/13 क्या होता, ये सब आप लिख सकते हो. ठीक है, आई जस्ट डू अ कपल ऑफ देम फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ व्हाट इज 6/13, तो 6/13 वुड बी 6 × 7.7. तो 6 × 7 = 42 इंटू 1.1, 4 लिखो, 2 लिखो, बीच में 4+2 लिख दो, सो 46.2. ठीक है, आई डू वन मोर फॉर यू. 12/13 क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर वही है जो प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा, दैट वुड बी 12 × 7.7. सो दैट वुड बी 7 निकालो, 12 को दो तो 12 7 का कितना होता है 84. सो 84 × 1.1. अब 8 लिखोगे, 4 लिखोगे, 8+4 = 12 लिखोगे और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट 82.4 बट 8+1 भी है ना, सो 92.4%. ठीक है, तो ये पूरी साइकिल है 1/13 की. ठीक है, फिर मैंने आपसे बोला था कि 1/13 तक आपको याद रखना है, उसके आगे के किसी ना किसी के हाफ या 1/3 होते हैं. तो अगर 1/7 ये है, ठीक है, तो 1/7 अगर ये है तो 1/14 कितना होगा, ये पे लिख देते हैं. 1/14 होगा इसका हाफ. ठीक है, सो दैट वुड बी द हाफ ऑफ दिस, तो ये जाएगा 0.0714. ठीक है, और परसेंटेज के टर्म्स में क्या हो जाएगा, 7.14%. है ना, उसी लॉजिक से व्हाट वुड बी 1/21, दैट वुड बी द 1/3 ऑफ दिस मच. ठीक है, इसको डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी 0.0. ठीक है, 4 × 12 = 22 7 × 18 = 6. तो इसकी वैल्यू जाएगी 4.76%, 1/21 की वैल्यू. ठीक है, अब इसके आगे के आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स याद रखने हैं. ठीक है, इसका 1/4 करोगे तो 1/28 भी आएगा. ठीक है, वो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो. 1/28 कितना होगा, 1/7 / 4 कर दो. ठीक है, तो ये कितना होएगा, 0.0. ठीक है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना इसको, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 22 बचेगा, सो 5 × 20 एंड देन 7 बचेगा, सो दैट वुड बी 3.57%. लेकिन ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हम अगर आपको 1/7 याद है तो ऑन द स्पॉट ऑफ 1/28 निकाल सकते हो. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने की जरूरत है, दे आर 1/23 और 1/29 का पेयर, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स होते हैं. ठीक है, इवन 1/19 भी आपको याद रखने की जरूरत है. सो व्हाट वुड दिस बी एंड व्हाट वुड दिस बी. ठीक है, तो इन दोनों का जो पेयर है वो एक तरीके से वर्क करता है ऑन द कंसेप्ट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होता है. सबसे फेमस यही पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है. किसी को अगर हमने बेस को लिटा दिया, हाइट को, इसकी बेस को हमने हाइट बना दिया, हाइट को हमने बेस बना दिया, तो कैसे नजर आएगा, 3 4, लेकिन ये तो 5 ही होगा ना. ठीक है, एंड दैट इज द लॉजिक ऑफ 1/23 एंड 1/29. तो दोनों ही एंड होते हैं 5 से, परसेंटेज दोनों के ही उसमें होता है. बट 1/23 बड़ा कि 1/29 बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर कम वो नंबर बड़ा. सो बड़ा मतलब 4.35 यहां लिखूंगा और 3.45 यहां लिखूंगा.
ठीक है, एंड दैट इज अ पेयर ऑफ 1/3 एंड 1/29, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 1/13 के बाद 1/14, मैंने बताया आपको 1/15 क्या होगा, 1/15 हो जाएगा 1/5, मुझे पता है होता है 20, सो 1/15 वुड बी द 1/3 ऑफ दिस, इसका डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे तो जाएगा 6.66, ठीक है। 1/16 मैंने ऑलरेडी आपको 1/8 का आधा बता चुका हूँ, ठीक है, पीछे जाके देख लीजिएगा। 1/17 मैंने आपको बताया था, 1/12 होता है 8.33, ठीक है, 1/17 होता है 5.88, ठीक है। 1/18 मैंने आपको बताया था 1/9 का हाफ, 1/19 मैंने अभी नहीं बताया, वो बता देता हूँ, ठीक है। सो 1/19 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, ये होता है 5.26%, ठीक है। इसकी पूरी साइकिल अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सो दिस इज समथिंग जो मेरे को अभी थोड़ी सी जगह लेके आपको बतानी है, सो प्लीज वेट फॉर दैट, ठीक है। हाँ, 1/19 लेकिन नोट कर लो आप। 1/20 क्या होगा, मैंने आपको बताया कि 1/10 अगर 10% होता है तो 1/20 कितना हो जाएगा, 5%। 1/520 होता है ना, सो 1/25 होगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। 1/21 ये है, ठीक है। 1/22 क्या होगा, 1/11 होता है 0.0909, 1/22 क्या हो जाएगा, 0.0909 का हाफ, ठीक है, तो हो जाएगा 4.045, ठीक है। सो 1/22 हो गया। 1/23 बता चुका हूँ। 1/24 क्या होगा, बता चुका हूँ, 1/12 का हाफ होगा, ठीक है। 1/25 क्या होगा, 1/425 होता है, तो 1/25 4 होगा। 1/26 क्या होगा, 1/13 का हाफ, ठीक है। सो 1/13 अगर ये है, ठीक है, तो इसका अगर हाफ करोगे, अलग से कलर से कर देते हैं यहाँ पे, इसका अगर मैं हाफ करूंगा तो हो जाएगा 1/26, और इसका हाफ कितना होगा, 3 × 6 और पॉइंट लगा के ये कितना बचेगा, 17, ठीक है, तो 8, ठीक है, तो 3.85 हो जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं है, 1/13 याद रखो, 26 अपने आप निकलेगा। 1/27 क्या होगा, बताया था मैंने 1/27 और 1/37 की साइकिल। 1/9 का 1/3 होता है, सो 1/27 होता है 3.7, 1/37 होता है 2.7, ठीक है। 1/28 क्या होता है, अभी बताया मैंने आपको, ये होता है और परसेंटेज के टर्म्स में ये होता है। 1/29 ये लिखा है आपके सामने। अब 1/3 आपको पता है क्या होता है, 3.33। 1/30 क्या होगा, इसका 1/10, ठीक है, डिवाइड बाय 10 करोगे, सॉरी ये 33.33 होता है, इसका डिवाइड बाय 10 करोगे तो हो जाएगा 3.33, है ना, सिंपल याद रखने का तरीका, ठीक है। अब 1/1 से लेकर 1/30 तक मैंने सारे देखे आपके साथ, ठीक है। छोटा सा पोर्शन रह गया है कि 1/19 की साइकिल कैसे बनती है, तो वो जरा देख लीजिएगा, ठीक है। आई जस्ट रिमूव समथिंग फ्रॉम हियर, तो जरा देखिए 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब के सब आते हैं विद अ पेयर ऑफ 0.25, ठीक है, ये सब के सब आते हैं विद द डिफरेंस ऑफ, आई शुड से 0.25। सो 1/20 सबसे सिंपल है, दैट इज 5%, इन सब में होता है 0.25, मतलब 0.25 का गैप, 0.25 का गैप, 0.25 का गैप, ठीक है। सो अब आप वापस वही क्वेश्चन जो मैंने यहां पे पूछा था आपके साथ, कि ये बताइए कि 1/19 बड़ा कि 1/20 बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर बड़ा, इसका मतलब ये अगर 5 है तो इससे 0.25 बड़ा, 5.25% हो जाएगा। एक्चुअल वैल्यू इसकी 5.26 होती है, लेकिन याद रखने के लिए हम इसको 5.25 बोल देते हैं, ठीक है। और इवन कैलकुलेशन में आसान होगा, कोई अगर पूछे आपसे कि ये बताइए अच्छा 4/19 कितना होगा, तो आप बोलोगे 1/19 है 5.25, इंटू 4 करना है तो 5 4 कर दो 20, ठीक है, 0.25 4 कर दोगे तो हो जाएगा 1, ठीक है, सो 21% हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी, इसलिए करते हैं, ठीक है। उसी लॉजिक से 1/21 इससे 0.25 कम होगा तो जाएगा 4.75, यहाँ पे लिखा भी था अपन ने 4.76 होता है, याद रखने के लिए 4.75 याद रखो, कैलकुलेशन आसान रहेगी। 1/22 क्या होता है, इससे 0.25 कम, मतलब 4.50, ठीक है, हमने बताया भी था कि 1/11 का हाफ कर दो, 1/11 होता है 0.0909, उसका हाफ करोगे तो क्या मिलेगा, 0.9.09 को जब हाफ करोगे तो जाएगा 4.54 होगा,
4.54 को याद रखने के लिए 4.5 यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारा जो पोर्शन मैंने आपको बताया है, दो मैंने इसको तीन बार में आपको बताया है, ठीक है, मतलब रब कर कर करिए कर करके आपको बताया था, लेकिन आपको जब इसको नोट करोगे तो इस तरीके से नोट करना, चार्ट पेपर में बनाना, चार्ट पेपर में बनाना, जैसे करना है करिए, लेकिन ये आपकी फाउंडेशन होने वाली है फॉर योर अर्थमेटिक पोर्शन। अर्थमेटिक पोर्शन का आपको स्ट्रांग रखना है, कैलकुलेशन आपको अपनी स्ट्रांग करनी है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके साथ डिवीजन और किस तरीके से अलग अलग डिवीजन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज नोट दीज पॉइंट्स डाउन एंड एम्बेडेड इन योर माइंडसेट्स फॉर श्योर, ठीक है। Meet me in the next video with more such expert concepts for you. Thank you.